गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। आज मैथ्स में हमारा टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन फोर नंबर्स। इस फोर नंबर्स के बारे में इस चैप्टर का आज जो चैप्टर हमारा वो फोर नंबर्स है। इस फोर नंबर्स के बारे में जानेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, उनके एडिशन के बारे में जानेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फोर नंबर्स होते क्या है। व्हाट इज फोर नंबर्स? तो जीरो टू इनफाइनाइट नंबर्स इज कॉल्ड द फोर नंबर्स। मींस जीरो से लेकर इनफाइनाइट, मींस अनंत तक, जीरो से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? फोर नंबर। एग्जांपल जैसे देखते हैं हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट, जहाँ तक आप काउंट कर सके। अब कभी कभी क्वेश्चन कुछ लोग ऐसे पूछ लेते हैं या किसी एग्जाम में आ सकता है कि फर्स्ट फाइव फोर नंबर्स बताइए। तो फर्स्ट फाइव फोर नंबर्स की बात करें तो 0 1 2 3 4 फर्स्ट 10 होल नंबर्स, तो 0 to 9 की संख्या बता रही है। तो ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स का वीडियो आपका चार पार्ट में कंप्लीट होगा, जिसका हम फर्स्ट पार्ट आज लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी का एडिशन। इस ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स जो हमारा चैप्टर है वो चार पार्ट में कंप्लीट होगा, जिसका फर्स्ट पार्ट होगा प्रॉपर्टी का एडिशन, सेकेंड पार्ट होगा प्रॉपर्टी या सब्ट्रैक्शन, और थर्ड पार्ट होगा प्रॉपर्टी या मल्टीप्लीकेशन, और फोर्थ पार्ट होगा प्रॉपर्टी या डिवाइड। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। मीन्स जो एडिशन होता है, जो होते हैं उनके क्वालिटी के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन जो होता है उनकी चार प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और थर्ड है एसोसिएट प्रॉपर्टी, और लास्ट फोर्थ और लास्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज क्लोजर प्रॉपर्टी पर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं जो प्रॉपर्टी का एडिशन है, उसमें बात करते हैं फर्स्ट की क्लोजर ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, ए प्लस बी इज ऑल्सो अ होल नंबर। मीन्स अगर किसी हम दो होल नंबर्स को लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिया 5 and 6, ये दो होल नंबर्स हैं, इनको हमने लिया, तो इनका जो एडिशन होगा, मीन्स ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो ऑल्सो ए प्लस बी इज ऑल्सो अ होल नंबर्स। मीन्स इनको जो ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो भी एक होल नंबर्स होगा। मीन्स किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने से जो उनका रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? एक पूर्ण संख्या ही होगी। जैसे हमने यहाँ में लिया है, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं 9 plus 8, 9 भी होल नंबर्स है और 8 भी होल नंबर्स है। तो इसको जो ऐड करेंगे जो उनको रिजल्ट प्राप्त होगा 17, वो भी एक होल नंबर्स होगा। मीन्स इस क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि अगर हम किसी भी दो या तीन या मोर देन थ्री जितनी भी होल नंबर्स को ऐड करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक होल नंबर्स ही होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मीन्स इसमें क्या है, इसमें होते हैं यदि हम इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मीन्स अगर किसी दो होल नंबर्स को हम लेते हैं और उसको ऐड करते हैं, जैसे हमने कोई नंबर्स लिया 5 5 plus 6, तो इसको हम इसका अगर हम चेंज कर दें, इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, इन
को ऐड करने पर उनका प्लेस अगर इंटरचेंज कर दे आपस में तब भी हमको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताया आपको 5 और 6 तो नंबर्स हैं, उनको ऐड करने में मेरी 11 आता है, लेकिन अगर इनका प्लेस इंटरचेंज कर दे आपस में 5 के स्थान पे 6 लिख दें और 6 के स्थान पे 5 लिख दें तब भी आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं। बेटे आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लिया 11 प्लस 9, तो आपको पता है 11 और 9 को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। लेकिन अगर इनकी प्लेस को हम इंटरचेंज कर दें, मीन्स 11 की प्लेस में 9 लिख दें और 9 की प्लेस में हम 11 लिख दें तभी हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो 20 ही मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब है कि किसी भी जो होल नंबर्स के प्लेस को आपस में इंटरचेंज करने पर उनके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस क्वालिटी को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में हम क्या सीखेंगे कि अगर इफ ए बी एंड सी मींस ए बी एंड सी अगर 3 नंबर्स हो, 3 होल नंबर्स हैं और 3 होल नंबर्स देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो इस प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से एग्जांपल लेते हैं 5 ब्रैकेट में 6 प्लस 7 इज इक्वल। अपन बॉड मास का रूल लगाते हैं, तो 5 प्लस 6 प्लस 7 को ऐड करेंगे 13 होगा, देन आप ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट क्या आएगा, 18 आएगा। लेकिन अगर हम इसमें ब्रैकेट को इंटरचेंज करते हैं, 6 प्लस 7 बिना लगाते हैं, लगाते 5 और 6 पे और प्लस 7 को हम अलग कर दें तभी आपके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 11 और प्लस 7 इज इक्वल टू 18। तो मीन्स इससे हमारा रूल बनता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो इस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं बेटे, इस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में नंबर्स को इंटरचेंज कर दें या ब्रैकेट चेंज कर दें तो उसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है, उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है इफ ए इज एनी होल नंबर्स देन ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस आर इज इक्वल टू ए। दिस इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स। इस कहने का मतलब है कि यदि किसी होल नंबर्स में 0 ऐड कर दे या फिर 0 में कोई होल नंबर्स ऐड कर दे तो हमारा रिजल्ट आएगा वो एक वही होल नंबर्स प्राप्त होगा। तो इसे हम 0, अब इसमें क्या होता है 0 होता है, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन फॉर ओके। तो जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसमें 0 होता है उसका मेन एलिमेंट्स होता है। इस किसी भी नंबर्स में, किसी भी होल नंबर्स में अगर 0 ऐड करते हैं तो जो इसका रिजल्ट आता है वो सेम नंबर्स ही आती है, या फिर 0 में अगर कोई होल नंबर्स ऐड करते हैं तभी रिजल्ट हमें वो होल नंबर्स ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 0 मीन्स 5 में 0 ऐड करें तो 5 यहाँ पर क्या है होल नंबर्स है, या फिर 0 में 5 ऐड करें, या फिर 0 में 5 ऐड करें तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो एक होल नंबर्स मीन्स 5 ही होगा। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 6 प्लस 0, अब 6 यहाँ पर क्या है होल नंबर्स है, 3 है और हमने इसमें 0 ऐड किया, या फिर 0 में 6 ऐड करें, 0 में 6 ऐड करें तो हमें जो रिजल्ट आता है वो 6 ही आएगा, मीन्स ए ही आएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो अब
इस वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऑपरेशन ऑन रोल नंबर के टॉपिक में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन मीन्स सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और इसके बाद आपको इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करना है और जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है